आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। गर्म हवाओं ने देश के माहौल को गर्मा दिया है। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब गर्मी से आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। इस बार मॉनसून ने समय से पहले ही केरल में दस्तक दे दी है और इसका असर देश के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। गर्मी की तपिश ने आम लोगों को परेशान कर दिया था। लगातार गर्म हवाओं ने लोगों की हालत खराब कर दी थी। बीते कुछ दिनों में असम में आए तूफान के बाद अब उत्तर भारत में भी मौसम के मिजाज में बदलाव आया था। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में जोरदार बारिश हुई थी, लेकिन बारिश के अगले दिन ही मौसम ने अपना रुख बदल लिया था और फिर से हुई तेज धूप ने माहौल को गर्म कर दिया। लेकिन अब केरल में मानसून की एंट्री समय से पहले ही हो गई है। केरल में मानसून ने 3 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश में दस्तक दे दी है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को देश में आता है, लेकिन इस बार इसने 29 मई को ही दस्तक दे दी है। इस तरह ये अपने दिन से 3 दिन पहले ही केरल में आ चुका है। आने वाले दिनों में मानसून केरल के बाकी इलाकों के साथ साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र की ओर भी बढ़ेगा। इसके साथ ही कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 30 मई को तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश के संभव है। दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में भी आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। कहा जा रहा है कि जून के फर्स्ट वीक में प्री मानसून एक्टिव होगा और जोरदार बारिश भी होगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो देश में इस वक्त मानसून की दस्तक हो चुकी है और इस मानसून की वजह से ही देश के कई हिस्सों में बारिश भी शुरू हो चुकी है, यानी कि अब गर्मी से जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।